टू रचाज मैनर। फूड प्रोसेसर में सब्जियां काटना और जूसेस निकालना तो मैंने आपको अभी तक सिखा ही दिया है, बट जो सबसे कॉमन चीज है इसमें आटा नीड करना, वो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वीडियो। बहुत ही आसान है, ऐसा कुछ मुश्किल नहीं है। जब भी हम फूड प्रोसेसर परचेज करते हैं तो स्टार्टिंग में आटा गूंदना इतना आसान नहीं होता जितना हमें लगता है, क्योंकि उसका मेजरमेंट जो होता है वो कई बार ऊपर नीचे हो जाता है, कई बार आटा बहुत सख्त गूंद जाता है, कई बार होता है कि वो बहुत ज्यादा गीला हो जाता है और सब तरफ चिपक जाता है और बड़ी मुश्किल होती है उसको साफ करने में। तो आज हम देखेंगे कि हम एकदम परफेक्ट आटा एक बार में कैसे गूंद कर निकाल सकते हैं, जो बिल्कुल भी आपके जो है जार के अंदर बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं। तो उसके लिए हमें कुछ मेजरमेंट करने होंगे। मैं एग्जैक्ट मेजरमेंट तो आपको नहीं बता सकती हूँ, वो आपको खुद एक बार करके देखना पड़ेगा, क्योंकि आटा जो होता है उसमें पानी को अब्सॉर्ब करने की जो क्वालिटी होती है वो अलग अलग होती है। अलग अलग गेहूं से जो आटा बनता है वो अलग अलग क्वांटिटी में पानी अब्सॉर्ब करता है। तो जरूरी नहीं कि जो क्वांटिटी मैं आपको बताऊं यहाँ पर वही क्वांटिटी आपको अपने घर में भी लगे। तो आपको करना क्या है कि आप एक परफेक्ट मेजरमेंट के लिए आप कुछ एक ग्लास या बोल जो भी हो आप उसमें मेजरमेंट करके आटा को लीजिए। जैसे अगर आपने दो ग्लास आटा या दो बोल आटा लिया है तो उसको एक ग्लास पहले आप वाटर लीजिए, उस सेम चीज मेजरमेंट के लिए आप इस्तेमाल करिए। अगर एक बोल आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो सेम साइज की ही बोल आप पानी के लिए इस्तेमाल करिए, या फिर ग्लास कर रहे हैं तो सेम ग्लास सेम साइज का ग्लास उसके लिए इस्तेमाल करिए। आटा आप पहले बार हाथ से नीट करिए, दो बोल आपने आटा लिया और सेम साइज की बोल में पानी लिया और आप उसको नीट करके देखिए। आपको लगता है कि जितना मैंने पानी लिया था उसमें आपका परफेक्ट आपके मन के हिसाब से आटा गूंद गया है, फिर आप क्या करिए कि आप देख लीजिए कि कितना पानी लगा। अगर उस बोल या ग्लास से ज्यादा लगता है तो आप अंदाजा लेकर रखिए कि मुझे इतना ही एक्स्ट्रा पानी या इससे थोड़ा सा कम पानी चलेगा जितना कि मैंने एक ग्लास या बोल में लिया था। तो उस हिसाब से हम एक परफेक्ट मेजरमेंट हमें मिल जाएगा और हमको जैसे ही आटा गूंदना होगा उसी हिसाब से मेजरमेंट करते हुए सेम बोल या सेम ग्लास से हम आटा और पानी को ले लेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो। तो यहां पर मैंने मेजरमेंट के लिए लिए है दो ग्लास आटा और एक ग्लास में पानी। तो मैं आपको क्लोजअप में दिखाती हूँ कि कितना आटा और कितना पानी लिया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो आटे के ग्लासेस मैंने लिए हैं वो भरे हुए हैं, ये बिल्कुल फूले नहीं। मैंने इसको ऐसे लेकर और इस तरह से पटक दिया था जिससे कि पूरा फिल होकर आटा इसमें आए। और जो पानी का ग्लास है वो मैंने इतना सा खाली छोड़ा है, क्योंकि इतना ही खाली रखने से मेरा आटा परफेक्ट गूंधेगा। अगर मैं इसको पूरा फिल कर दूंगी या थोड़ा सा ज्यादा लूंगी तो आटा लूज हो जाएगा और फिर वो चिपक जाएगा। तो मेरे मेजरमेंट के हिसाब से मुझे लगते हैं ये दो ग्लास आटा और एक ग्लास पानी जिसमें मैंने इतना कम पानी लिया है। तो चलिए हम इसको गूंदना स्टार्ट करते हैं। और एक बात मैं आपको और बताना चाहती हूँ कि चूंकि मुझे 4 से 5 साल हो चुके हैं फूड प्रोसेसर को यूज करते हुए, तो अब ये मतलब जैसे यूज टू हो जाते हैं ना जार या बर्तन, तो उसमें इतना ज्यादा ऑयल लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप ही जैसे नॉन स्टिकी टाइप के हो जाते हैं। बट अगर आप स्टार्टिंग में, अभी आपका न्यू है फूड प्रोसेसर और आप स्टार्टिंग में इसको आटा गूंदने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, तो आप एक काम जरूर करो कि इसका जो ये पार्ट होते हैं आटा नीडिंग के लिए, इसका जो ये पार्ट होते हैं इसमें आप हल्का सा रिफाइंड ऑयल इन सब जगहों पर यहाँ यहाँ पर रब कर लीजिए इस तरह से, और जो आपका ये जार है इसके अंदर भी आप इस तरह से सब तरफ यूं करके आप हल्का सा अगर ऑयल रिफाइंड ऑयल रब कर लोगे तो आटा इसमें बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं, आराम से निकल जाएगा। बट अभी मुझे इसमें जरूरत नहीं होती है कि मैं इसमें कोई सा भी ऑयल लगाऊं, तो आप इस तरीके से इसमें हल्का सा ऑयल लगा सकते हो जिससे कि आटा बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं। और आटा नीड करने के लिए हमें जो अटैचमेंट चाहिए वो मैं आपको दिखा देती हूँ। उसके लिए हमें सिर्फ ये वाला जो मेटल पार्ट होता है लगाने का, ये और जो ये प्लास्टिक वाला ब्लेड आता है, ये दो अटैचमेंट हमें सिर्फ चाहिए। इस जार में हम आटा को लगाएंगे तो सबसे पहले इसको रख लेते हैं और इसके बाद सिंपल ये लगा लेंगे। इसके बाद सीधे से मैं इसमें आटा डालूंगी। आप देख सकते हो ये एक ग्लास आटा है, ये दूसरा ग्लास आटा हो गया। और अब मैं क्या करूंगी कि मैं ढक्कन लगा दूंगी और ये पुशर निकाल लूंगी बाहर। फूड प्रोसेसर को ऑन करने के बाद जो ग्लास है पानी हम इसमें से इसको डालेंगे।
चुका है, चलिए हम देख लेते हैं कि कैसा गूंधा है। और आप देख सकते हो कि आटा जैसा कि हम हाथ से गूंधते हैं उस तरीके से गूंध कर तैयार हुआ है, क्योंकि ये जो मेजरमेंट मैंने लिया था इसको मैंने हाथ से पहले गूंध कर चेक कर लिया था कि इतना सॉफ्ट आटा गूंधने के लिए मुझे कितने पानी की जरूरत होगी। तो अब आटे को हम जार से निकाल कर और एक ऐसे बोल में खाली कर लेंगे। तो आप देख सकते हो कि चूंकि मेरा फूड प्रोसेसर काफी दिनों से यूज हो रहा है, मैंने कोई भी ऑयल वगैरह नहीं लगाया था, तब भी ये एकदम साफ निकला है। हल्का सा यहाँ पर चिपक जाता है और बाकी एकदम साफ निकलता है, बट अगर नया है तो आपका चिपक सकता है आटा, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, तो आप एक दो बार यूज कर लीजिए अगर ऑयल को, तो बहुत अच्छा रहेगा। हाथों से हल्का सा इसको इस तरह से दबा लेंगे। और एक चीज मैं बताना चाहूंगी आपको कि अगर आपने पूड़ी का आटा बनाना है या फिर थोड़ा सा और सॉफ्ट करना है, तो जो आपने मेजरमेंट लिया है, अगर पूड़ी का आटा करना है तो उस मेजरमेंट से हल्का सा पानी कम कर दीजिए, आटा थोड़ा सख्त गूंध जाएगा, जिससे कि आपका टाइट पूड़ी का आटा तैयार हो जाएगा गूंधकर। आप और ज्यादा सॉफ्ट चाहते हैं तो इसमें से जितना मैंने पानी लिया है, जितना आपको लगता है उससे हल्का सा ज्यादा कर लीजिए, तो आपको एकदम परफेक्ट आटा गूंधकर मिलेगा। तो वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसको लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो आगे भी आपको इसी तरीके से नए नए और अच्छे अच्छे वीडियोस देखने को मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।